तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी YouTube के ऊपर कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हो एंड अगर आपको भी कोई चैनल आइडिया नहीं मिल रहा है कि किस कंटेंट पे काम करें, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आप भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आप लोगों को एक यूनिक कंटेंट मिल जाएगा, आप लोगों को एक बढ़िया चैनल आइडिया मिल जाएगा जिस पे आप लोग भी काम करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं बताने वाला हूँ प्रूफ आप लोगों को वो चैनल में। वो चैनल मतलब बताऊँगा कि कितना व्यूज आता है, कितना सब्सक्राइबर हुआ है, कितना वीडियो अपलोड किया है एंड आप लोगों को मैं ये भी बताऊँगा कि कहाँ से कॉन्टेंट लेना है एंड उसे कैसे एडिटिंग करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है। तो ना ही आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम आएगा, ना ही आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, ना ही आप लोगों को मतलब रियूज कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी। तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ एक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, इसी स्क्रीन में मैं आज आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रूफ बता देता हूँ कि व्यूज आते हैं कि नहीं आते हैं एंड सब्सक्राइबर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग प्रूफ बहुत ज़्यादा खोजते हो। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ यूट्यूब में, आप लोगों को मैं सब कुछ लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब में चलता हूँ। यूट्यूब में आने के बाद मैं एक चैनल को यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो आप लोग देखते जाइए, जस्ट स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे उस चैनल को ओपन कर लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब वीडियो अपलोड कर लिया है। यहाँ पे 996 वीडियो मतलब 1000 वीडियो होने वाला है एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 49.7 लाख सब्सक्राइबर मतलब 5 मिलियन सब्सक्राइबर कर चुका है। आप लोग समझ सकते हो 5 मिलियन सब्सक्राइबर पे यूट्यूब क्या देता है, मतलब यूट्यूब तो अवार्ड देता है एंड साथ में पैसा कितना देता है आप लोग घर में बैठकर कैलकुलेशन करते रहो। अगर आप भी मैथमेटिशियन हो तो कैलकुलेशन करते रहिएगा। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को व्यूज बता देता हूँ। मैं वीडियो वाले ऑप्शन में आता हूँ एंड यहाँ पे चलता हूँ, तो व्यूज आप लोग देख सकते हो 12 घंटा में 49,000 व्यूज, 1 दिन में 96,000 व्यूज, 2 दिन में 69,000 व्यूज, 3 दिन में 1,02,000 व्यूज आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यूज है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग यूट्यूब पे भी जा करके इस चैनल को चेक कर सकते हो, ये कोई एडिटिंग किया गया नहीं है, ये ओरिजिनल चैनल है। आप लोग सर्च करके इसका नाम देख सकते हो एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका वेरिफिकेशन टिक भी मिला हुआ है। ये एक गेमिंग चैनल है, मतलब गेम खेलता है एंड उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है, एडिटिंग करके अपलोड करता है। तो जैसा मैं मतलब बता दिया हूँ वैसा आप लोगों को करना नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दोगे तो कॉपीराइट क्लेम वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, वैसा बहुत लोग कर लेते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, 2-3 वीडियो डालते हैं चैनल उड़ा देता है। आप लोगों को वैसा नहीं करना है। आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ एंड पहले व्यूज बता देता हूँ, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। एंड मैं पॉपुलर की बात कर लूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2.9 करोड़ व्यूज गया है एंड यहाँ पे 2.6 करोड़, 1.6 करोड़, 1.6 करोड़, मतलब करोड़ों में व्यूज गया है। समझ सकते हो यहाँ पे करोड़ों में व्यूज है एंड आप लोग देख सकते हो ये किस प्रकार का यहाँ पे मतलब गेम वाला चैनल है। ये मतलब कि कार वाला या स्कूटर वाला या किसी प्रकार का यहाँ पे गाड़ी को चलाता है एंड इसका मतलब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता है। तो आप लोग भी इस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को ओरिजिनल में दिखाई नहीं दे रहा होगा बट आप लोगों को थंबनेल में थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा ये किस प्रकार का ग्रीन स्कूटर है, मतलब कि यहाँ पे ये जो बाइक चलाता है वो कार्टून के जैसा बाइक है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही कॉपी पेस्ट करना है। एंड मैं अब आप लोगों को चैनल बता दिया हूँ, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वीडियो कहाँ से लेना है, क्योंकि वीडियो लेना है आप लोगों को मतलब एक एप्लीकेशन से। एक एप्लीकेशन का नाम है, मैं यहाँ पे चलता हूँ प्ले स्टोर में, जस्ट स्टेप बाय स्टेप सर्च करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर में आ गया हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है कार स्टंट सुपर हीरो 2022। आप लोग देख सकते हो तो ये गेम लेटेस्ट में न्यूज मतलब लॉन्च हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं सर्च करके सब कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया है एंड आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पे गेम मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा गेम है, तो आप लोग चाहो तो कोई भी गेम डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे पहला वाला गेम ही डाउनलोड किया हूँ क्योंकि पहला वाला गेम का जो बैनर है, लोगो है, काफ़ी ज़्यादा क्लिकबेट लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये किस प्रकार का, जैसा मैं कॉन्टेंट बताया हूँ वही वाला सेम है एंड जो बंदा है वो यहीं से कॉपी पेस्ट करता है। तो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको इससे डाउनलोड कर लेते हैं एंड मज़ा नहीं आता है, आप लोगों को साथ में कॉपी पेस्ट करना है, पैसा भी कमाना है एंड मज़ा
एंजॉय करना है। तो आप लोगों को यहाँ से एंजॉय नहीं आता है तो आप लोग नीचे वाला गेम डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा गेम मिल जाता है। तो आप लोग कोई भी एक कर लीजिएगा, पहले पहला कीजिएगा उससे ख़त्म हो जाता है, दूसरा कीजिएगा उससे ख़त्म हो जाता है, तीसरा कर लीजिएगा, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले वाला गेम में आ गया हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों को ओपन करके सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को साथ में एक स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन से ही यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होने वाला है जो कुछ गेम खोलोगे। तो अगर आपके मोबाइल में पहले से कोई स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है तो उसे इनेबल कर लीजिएगा, मतलब ऑन कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं गेम को ओपन कर लिया हूँ, ये गेम ओपन हो रहा है एंड आप लोगों को जस्ट स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को डाटा बंद कर लेना है क्योंकि यहाँ पे डाटा की ज़रूरत नहीं होती है एंड अगर आपका डाटा चालू रहेगा तो ऐड देखने को मिल सकता है, तो आप लोगों को डाटा बंद कर लेना है। एंड उसके बाद ये ऑफलाइन है तो मैं यहाँ पे प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मोड सिलेक्ट करने के लिए दिया जा रहा है तो कि आप लोग किस प्रकार का मोड यहाँ पे खेलना चाहते हो, तो कोई भी एक सिलेक्ट करके बता देता हूँ। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को ऐसा करना है एंड यहाँ पे लेवल सिलेक्ट कर लिया हूँ, लोडिंग हो रहा है, आप लोगों को लोडिंग होने देना है। जितना टाइम लेता है ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 2-4 मिनट 5 मिनट टाइम लेगा, मतलब कि इस गेम को शुरू से लेकर रिकॉर्ड करने तक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बता रहा है कि यहाँ से ऐसे पैराशूट से आदमी उतरता है, उतरने के बाद आप लोग देख सकते हो ये जो दूसरा आदमी उतरा है, मतलब कि 2-3 आदमी उतरता है, यहाँ पे रेस होने वाला है। जिस प्रकार का मैं यहाँ पे मोड सिलेक्ट किया हूँ उसी प्रकार का यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से कर लेना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंड इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है। यहाँ पे मेरा मतलब पहले प्रीव्यू दे रहा है कि आप लोग ऐसा कर लीजिएगा एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ गेम स्टार्ट करके। तो आप लोगों को लगभग 15-20 सेकंड प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हो, ये लॉक लगा है तो इसको बाय कर सकते हो। जस्ट मैं आप लोगों को अभी ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको मतलब आगे बढ़ाना है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाने के बाद ये साइकिल पकड़ता है तो साइकिल पकड़ लिया। साइकिल पकड़ने के बाद यहाँ पे खेलना है, मतलब जितना चाहो आप लोग इस गेम को खेल सकते हो। तो खेलने के बाद अब आप लोगों को बारी आती है एडिटिंग करने की, तो एडिटिंग मैं करने वाला हूँ काइन मास्टर से, बिना किसी मतलब कि यहाँ पे लेट करते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ काइन मास्टर में। तो यहाँ आने के बाद आप लोगों को जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है उस गेम को उसे यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा गेम का स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो मैं इसे यहाँ पे इंटर कर लिया हूँ, जितना मैं गेम खेला हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ है उसे इंटर कर लिया हूँ। तो आप लोगों को वीडियो का स्टार्ट वाले पोजीशन पे आ जाना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गेम ओपन हो रहा है एंड और आगे करते रहना है, मतलब यहाँ पे लोडिंग हो रहा है एंड और आगे करता हूँ तो यहाँ पे लॉबी है एंड और आगे करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोड सिलेक्ट हो रहा है, लोडिंग हो रहा है एंड यहाँ पे और आगे करता हूँ, जितना मतलब आप लोगों का पार्ट होगा उतना कट कर लेना है। तो यहाँ पे उतर रहा है, मतलब 2-3 बंदे उतरे हैं एंड और आगे करते हैं, तो यहाँ से मतलब गेम स्टार्ट होता है। तो यहाँ आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कैची वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम लेफ्ट कर देना है। तो लेफ्ट का जो भी पार्ट मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ वो यहाँ पे ट्रिम हो गया, मतलब कट गया एंड उसी प्रकार से आप लोगों को लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद जहाँ आप लोगों का गेम एंड होगा, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करते हो तो वो आ जाता है, तो उसे बंद करने के लिए ट्रिम राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो वो नहीं आएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, कट के हट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब मेरा गेम आ गया है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आना है वीडियो का स्टार्ट वाले पोजीशन में, पैन एंड जूम में आकर के बराबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बड़ा कर लेना है। आप लोग देख सकते हो मैं बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग चाहो जितना बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं बड़ा कर लिया हूँ एंड उसके बाद अब आप लोगों को मैं एडिटिंग बताता हूँ। तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ पे मिक्सर में आकर के साउंड को 0 कर देना है, क्योंकि अगर कोई भी साउंड डाल देते हो, मतलब कि इस गेम का जो ओरिजिनल साउंड है वो रहेगा, तो आप लोगों को कॉपीराइट दे सकता है, क्योंकि जो ये गेम बनाया है वो अपना पर्सनली म्यूजिक यूज करता है, वो आप लोगों को कॉपीराइट दे सकता है। इसलिए आप लोगों को साउंड को बिल्कुल 0 यहाँ पे कर देना है। 0 करने के बाद अब आप लोग पूछ रहे हो कि साउंड तो 0 कर दिए तो साउंड के जगह पे रहेगा क्या, तो आप लोग चाहो तो वॉइस ओवर भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोग चाहो तो कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं करना, मैं आप लोगों को उसका भी उपाय बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले वॉइस ओवर करने वालों के लिए यहाँ पे करके बता देता हूँ, क्योंकि वो पहले ज़्यादा मेहनत करेंगे इसलिए उनका काम पहले बनता है। तो आप लोगों को यहाँ रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट वाले पोजीशन पे क्लिक करके एंड जो कुछ एक्टिविटी इस गेम में हो रहा है उसे वॉइस ओवर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे उतर गया हूँ। उतरने के बाद मैं आगे जाता हूँ एंड यहाँ से साइकिल लेता हूँ। साइकिल लेने के बाद यहाँ पे मैं स्पीड करता हूँ साइकिल को। आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है एंड इस प्रकार से इधर उधर करते हुए साइकिल को कितना स्पीड में चला रहा हूँ। यहाँ से साइकिल मेरा उड़ने वाला है, तो मेरा साइकिल गया है उड़। उड़ने के बाद यहाँ पे दूसरे जगह पे फिर से उड़ने वाला है, बहुत सारा उड़ने वाला जगह है, तो मैं कहीं मैं गिर ना जाऊँ। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं खेलता रहा हूँ गेम को एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा खाई है, तो आप लोग देख सकते हो मैं इसमें गिरने वाला हूँ। तो गिरा नहीं हूँ, यहाँ पे एक मतलब कि स्थान आ गया, उसे यहाँ पे रोक गया हूँ एंड यहाँ पे मैं नीचे गिर गया हूँ। तो यहाँ पे वीडियो लास्ट हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोगों को वॉइस ओवर कर लेना, मैं जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता दिया हूँ, आप लोगों को इसी प्रकार से वॉइस ओवर कर लेना है। एंड अगर आपके मोबाइल में माइक नहीं लगा है, मतलब कि ये वाला माइक की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो मतलब महंगा वाला एक्सटर्नल माइक होता है उसका बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप लोग मिक्सचर में आकर के साउंड को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि माइक नहीं रहता है तो साउंड जो कम आता है, तो साउंड बढ़ा लीजिएगा तो साउंड आप लोगों का बढ़िया हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है वीडियो, मतलब जो इस आपने वॉइस ओवर किया उसको एडिटिंग करने का, तो आप लोग एडिटिंग कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ इस इमेज के मामले में कॉपीराइट से कैसे बचना है, जो ये वीडियो चलता है उसके मामले में, क्योंकि इसे भी कोई बनाया है तो जो बनाया है वो कॉपीराइट दे ही सकता है। तो आप लोगों को इसके मामले में मतलब कि कॉपीराइट से बचाने वाला हूँ। तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करके एंड नीचे आकर के फिल्टर में आकर के कोई भी एक फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को बीच में रख लेना है, ना ही ज़्यादा रखना है ना ही कम रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कम रखते हो तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बट आप लोगों को बीच में रख लेना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है, क्योंकि जो बंदा मैं आप लोगों को चैनल बताया हूँ वो ऐसा ही करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट में आकर के बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग यहाँ पे कम ज़्यादा करके सिंपली एडजस्ट कर दीजिएगा, इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिएगा कि ताकि पहले वाला जो वीडियो था उससे मैच नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होगा तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को नहीं मिलेगी। एंड उसके बाद अब आप लोगों का वीडियो बनकर हो गया है तैयार, तो अब आप लोगों को इसे सेव करना है एंड उसे अपलोड करना है। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूँ लास्ट में, तो आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखते रहना है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है अगर आप इस चैनल पे काम करते हो, तो उसका सोल्यूशन मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर में शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक बढ़िया रेजोल्यूशन देख लेना है एंड यहाँ पे सेवेज वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा एंड अब इसी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि कैसे आप लोग भी YouTube के ऊपर इस प्रकार का वीडियो बनाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आप लोग भी चुपके से एक न्यू चैनल बनाकर उससे आज से मतलब कि यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए एंड आप लोगों का अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि टिप्स बताऊँगा लास्ट में, टिप्स यही है कि आप लोग जब भी गेम मतलब कि अपलोड कीजिएगा तो आप लोगों को वीडियो के टाइटल को कॉपी करना है, जो मैं चैनल बताया हूँ उस चैनल पर चले जाना है एंड वीडियो को कॉपी कर लेना है टाइटल को, एंड उसी टाइटल को सेम यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, कुछ मतलब हेरा फेरी कर देना है, आगे का जो टेक्स्ट है उसे पीछे कर लेना है, पीछे का टेक्स्ट को आगे कर लेना है एंड उसके बाद सिंपली एडजस्ट मतलब अपलोड कर देना है, तो आपका वीडियो 100% वायरल होगा एंड आप लोगों का अर्निंग भी होगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय टेक, जय टेक्निकल।